ਤਾਂਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਸੀ ਅਗਰ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈਡਾ ਔਖਾ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੰਚਰ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਬੈਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਲੀਆ ਦਰਦ ਲਈ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬਲੀਆ ਦਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। वीडियो देखने वाले तमाम दोस्तों को एक नए दिन और नई सुबह के साथ उस्मान निसार की तरफ से अस्सलामुअलैकुम और उम्मीद करता हूं जी कि आप सब लोग हैरियत से होंगे। आज दिन है जी हफ्ता और रोज़ा है 24वां चमिया अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन्हें भी वीवर्स जड़े कि मेरे इस चैनल पर नए ने और उन्होंने हजे तक मेरे इस चैनल में सबसक्राइब नहीं किया वो जल्दी ना इस चैनल में सबसक्राइब कर लवो ताकि मजीद आने वाली अच्छी तो अच्छी वीडियोज़ जड़िया ने आसानी ते तक पहुँच सकन। और बिल्कुल सामने ही बलिया दर चूजिया कुछ खुवादा पाया। अस्सलामुअलैकुम की हाल ने भाजी की खवान डे हो? आटा दखाना एवे जी गुंदे आटा जिहड़ा कि आम आटा होंदा जिहदे नाल रोटी पकाई दी है। और ए अबू होरां ने भी दस्सिया सी और अबू भी अक्सर जिहड़ा ना जदों करवांदे ने ते अगर कोई रोटी वगैरह भी घर पक्की पई होए ना तो रोटी भी नहीं लैके आंदे लेकिन वो कोशिश करदे ने कि गुंदे आ जिहड़ा आटा होंदा ना गुज्जा आटा आटे की एक ढेली लैके आंदे ने और आटा ही परिंदियां नूं और जानवरों नूं खवांदे ने और बहुत खुश हो के खाते भी ने। चेक करो देख दौ भाई किस तरह पागल हो जाते हैं जो आटा डिगदा थले। बाहर आई है जी सब्जी वाली गड्डी। अस्सलाम वालेकुम की हाल ने भराई सब खैर है आ गए ने ताज़े फल भी ताज़िया सब्जियां भी मैं क्या सब्जियां का भी पता करने कि केड़ी केड़ी सब्जी नहीं आई है और सब्जियां दे रेटां का भी पता करने ताकि व्यूअर्स नूं कंप्लीट इनफॉर्मेशन हो सके। और जेड़े भी रेट इत्थे दे होणगे ते तुसीं लाजमी कमेंट च दसना कि तुहाडे एरिए च ना सब्जियां दे की रेट ने ताकि कल असीं इहनां नूं पुछीए ते सी अगर महंगी वेचण दे होण ते। अच्छा गोभी का की हिसाब है किस तरह किलो है? 100 रुपए किलो और सब्जी नहीं केड़ी करेले भी नवे ने? हां जी बिल्कुल ये भी 100 रुपए किलो। शिमला मिर्च भी 100 रुपए किलो। शिमला मिर्च भी 100 रुपए किलो। करेला भी 100 रुपए किलो। गोभी भी 100 रुपए किलो। और केड़ी सब्जी 100 वाली? कद्दू शरीफ 50 रुपए किलो जी। अच्छा उस तो बाद गोल बताऊं 50 रुपए किलो। अच्छा टिंडा 200 रुपए किलो जी। ते भिंडी सब तो महंगी होएगी? भिंडी भी 200 रुपए किलो है। ओहे ना भिंडी सब तो महंगी होएगी। दवाने दा की रेट है? दवाने दा मुख्तलिफ रेट है भाई। अच्छा हां जी मतलब साइज दे हिसाब नाल लिया। और खरबूजा भाई 150 दा 2 किलो। टमाटर किलो 150 दे 2 किलो। मटर भी 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो। सारे रेट तुसी वीवर्स ने सुन लेने हुण ताडे एरिए च इन्हां दे की रेट चल रहे ने ए कमेंट करके तुसी लाजमी दसना। 1 किलो खरबूजा दे देना यार। हेलो यार मेहरबानी बहुत मेहरबानी शुक्रिया। एक तो जी मेरा प्रोग्राम है कि आज असी जाकर ना टेनिस के लिए एक नेट खरीद के लिए आइए। और ए वेखो जी गर्मियों का अनमोल तोहफा सोनी जी टेंड टेनिस का नट असी लगा देंगे जी या तो इधर इटा वाली जगह से या फिर घा वाली जगह से। बलिया इधर किधर लगा लाना चाहिए? इटा वाली साइड ला दी है। मेरा भी वैसे ना यही ख्याल सी कि यह साइड बेस्ट रहेगी। हाँ जी इस दरख्त उपर ना तीन होल्डर लगे ने एक इधर दूसरा इधर और तीसरा इधर इधर फिर इधर भी बल्ब लिया के ला दई ताकि रोशनी हो जाएगी ज्यादा। वलिया इधर हां जी ए किथे ला चले हो? आ गया भाई फिर छेती जाओ छेती भाई टोर चल रही छेती कम चाह भाई अगे आई यार अगे आई ते नाल की बेच दे पे स्ट्रॉबेरी बेच दे पे। माशाल्लाह जी बिल्कुल फ्रेश और अच्छी ते भाई किस तरह किलो है? 200 रुपए किलो। कोई भी सब्जी 100 रुपए तो थले किलो नहीं सी और उस बाद 200 रुपए किलो। और फल की भी अगर गल करिए 100-200 रुपए फी किलो के थले कोई भी आइटम नहीं ते तुसी आप ही अंदाजा कर सकते हो कि इस टाइम साडे मुल्क के अंदर महंगाई किस हद तक पहुंच चुकी है। एक दो चीज मेरे जेहन च भी है मैं दसा कि चला जरा
बलिया दर चक्की वाले कमरे की चाबी लै गया बैठक के अंदरों। चलो उधरों फाड़ लै वाले एंगल फाड़ बलिया तेरे सामने। दरअसल सीलिंग दे एंगल ने जिहड़ी सीलिंग के सी स्नूकर वाले कमरे च करवाई थी उहदे कुछ एंगल वगैरह बदे सन ते मैं बलिया दर नूं कह के तूं इहदी वेच दे। इन्हां एंगलां ने भी बस कमरे दे खाली जगह ही घेरी है और बेफजूल उधर पे सन। लैओ लैओ उमर शाबाश लैओ बलिया दर कुछ पीस होर भी पे ने। बलिया दर अगे 100 रुपया बनिया सी ना, हुण वेखी 200 रुपया तेरा बनता है कि नहीं बनता, चैक करी जरा। बोलो सारी मेहनत जाया हो गई। बलिया दर कितने किलो बटे ना? दो चार किलो। एदा किलो दा की रेट दसिया सी? एदा भाई 100 रुपए। किन्ने हो? 400 रुपया हो गया बलिया दर। कितना खुश हो यार, उम्मीद मैंने भी नहीं की कि 400 रुपया बन जाएगा, लेकिन 400 रुपया बन गया। जी इतना सब टूटा। 100 रुपया है ही बलिया दर तेरे को? तेरे को 100 पहले का भी है वे? हाँ। इन्ने पैसों का करना की आज तो तेरे नाल मैं अद्धी करना अज ते मेरा जेड़ा ना क्यों भाई इन्ने पैसे का अद्ध नहीं होना चाहिए यार। अपना इलाका केड़ा जी भला? इलाका डस्का। डस्का इधर नू वेख के ना ते कहो कि डस्के दे जिन्ने भी लोग ने उस चैनल नू सबसक्राइब कर दो। एड्डा औखा बोल अस्सलाम वालेकुम जमान के फिलहाल ठीक हो सरकार? शुक्रिया शुक्रिया। ऐ भी मेरा एक सब्सक्राइबर है जी जुबैर और भरा जी सब है। ऐ की हो रहा है? पैनल चेंज हो रहा है हूँ वह तो मैनू नहीं पता, बहरहाल चलो सही है जो भी हो रहा है। टच स्क्रीन जी है उत्ते वाला हिस्सा चेंज हो रहा है। ओके वालेकुम अस्सलाम कैफल हाल पढ़ ली नमाज। वैसे तो इस टेनजर नैट जोड़ा वो डल वाली में मिल जाना सी, लेकिन जुबैर ने जाना है शहर, इन्हें अपनी कोई मोबाइल की एसेसरी वगैरह खरीदनी है, तो हूँ मैं और जुबैर दोनों इकट्ठे जावे। मैं अपना काम जोड़ा नैट वगैरह खरीद लवागा और जुबैर अपनी एसेसरी खरीद लेगा। सलवार कमीज सिलाई करवानी सी जी। मैं और जुबैर आए हैं टेलर की दर्जी की दुकान पर और बिल्कुल सामने एक मोटर चलती है पई और बच्चे नहाँ डे ने क्योंकि तुम्हें पता है शदीद गर्मी है अजकल। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल ने भराई? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, की हाल ने भराई? ऐ भरा दी भी मोटरसाइकिल पंचर जी और अगे जान डे ने उन्होंने मोटरसाइकिल पंचर है। दोनों मोटरसाइकिल पंचर ने देखो। असी उन्होंने मजाक उड़ान दे ना यार, मजाक तो नहीं सा उड़ान दे, लेकिन आ देखो जी इधर आए तो साड़ी मोटरसाइकिल भी पंचर हो गई है। हाँ जी की फीलिंग आ रही है? मैं क्या की फीलिंग आ रही है? पाकिस्तान दे रोड होन ते उत्ते मजा ना होना हो ही नहीं सकदा। ऐवे जी साडे सियालकोट दी परिंदियां दी मार्केट और इधर तकरीबन टोटल दुकानां जिहड़ियां ने परिंदियां दीआं ने। स्पोर्ट्स बाजार पहुंच गए जी और जुबैर चला गया अपनी एसेसरी वगैरह लैन दे लिए, हूँ इधरों से टेनिस के लिए नैट वगैरह देख लें। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, टेनिस के लिए नैट चाहिए दिखा दो। एदा तुसी की कह रहे हो? 450 और एदा 650 और 850 और मैं पसंद किया जी 850 वाला, क्योंकि एदा जाल जड़ा ना वो इन्हां दी निस्बत काफ़ी बेहतर है, बिल्कुल बरीक ने और ए वाला जाल जड़ा ना बेहतर है। ए कर दो हो गया।
इकबाल हो गया वाला छोटा बैट जो बच्चों के लिए ना और अभी की प्राइस है। मैं सोच रहा जी बैट जरा वलिया दर के लिए ले लें वलिया दर भी खुश हो जाएगा। स्नोकर का फ्रेम लगाने लिए एक फ्रेम बैट वलिया दर के लिए बॉल चिड़ी और टेनिस का नट कुछ चीज़ा जरूरी सन जी जड़िया कि काफ़ी दिन का मैं सोच रहा सी खरीदनिया ने और अब मैं टाइम मिले तो मैं क्या क्यों ना यह चीज़ा जाके खरीद लिया जा कि हो गए 1550 बहुत मेहरबानी जी शुक्रिया। समान वगैरह ले लिया जी हूँ एक दुकान है बिल्कुल सामने इधरों लाइटा का पता करने जड़िया लाइटा के टेनिस के नैट के उपर लगाइया जानगियाँ। अस्सलाम वालेकुम जिस लाइट की जरूरत सी जी वो लाइट तो उधरों नहीं मिली हूँ अगे चलने और किसी और दुकान पर देखने है वे जी ट्रंक बाजार ड्रमा वाला चौंक और है आ गया जी पाकिस्तान इलेक्ट्रिक स्टोर। अस्सलाम वालेकुम जी 6 बल्ब और 1 लाइट है वाली ए वाली लाइटा वैसे तो चाहिए सन जी 3 लेकिन बाहर हाल उन्होंने को इस टाइम 1 ही लाइट सी 2 लाइटा फिर कितों और देख लवेंगे। हेलो लाइटा भी ले लिया ने जी हूँ सिर्फ एयर गन के स्लग बाकी ने हूँ एयर गन के स्लग लें खड़ा जी जुबैद। अस्सलाम वालेकुम हो गए फारग सरकार चलिए कितना ज़्यादा रश है जी क्योंकि ईद के दिन करीब ने तो बस लोगों दी दौड़ा ही लगिया अज असला बाजार असं पहुँच गए हैं जी और इधरों लवेंगे एयर गन दे स्लग। हेलो 1200 है ना जी एन जी एयर गन दे स्लग स्लग क्योंकि काफ़ी टाइम के खत्म सन स्लग कोल हो किसी टाइम भी शिकार करने का प्रोग्राम बन सकता है। बस पता नहीं हूँ किधर आ गई है। अच्छा वैसे भी इधरों रास्ता बंद है सानू उतले रास्ते जाना पेगा अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। हाँ जी सरकार की हाल ने अस्सलाम वालेकुम हवेली पहुँच गए जी हूँ बुलाने वली हैदर वली हैदर देखना वा तो फिर आके देखने कि दे फेस एक्सप्रैशन की आते हैं या फिर वह खुश होंगे या नहीं क्योंकि अज सुबह ही मैं क्या मैं क्या वली हैदर लाइटा बल्ब और नैट वगैरह जरा ना टेनिस का वो असं लगावे ताकि रात के टाइम रोज़ा वगैरह खोलन तो बाद जरा ना थोड़ी देर टेनिस वगैरह बंदा खेड सके वह वली हैदर करवा रहा वली हैदर गल सुन वली हैदर ओ वेखो हाँ भला की आया सुबह जाली वे कि जबरदस्त है मोटी जाली आला महंगा है इस वास्ते बाकी सस्ते हैं लेकिन वो पता बरीक जाली होंगी पाड़ जाती है बाजो एस पाई जाते स्नूकर वास्ते वे फ्रेम लाण वास्ते टेनिस दी चिड़िया भी लाइटा ने एक लाइट वड्डी ते नाल 6 बल्ब ने जेड़े होल्डर उधर खदे नहीं दसे तेन हाँ वाली लाइट वड्डी टेनिस का नट जो लावे तो रोशनी होगी ज्यादा तो रात के टाइम ही टेनिस फिर खेडी जाएगी दिने तो बंदा खेड ही सकता है उमर तेन भी टेनिस खेडनी आती आती है ना एक चीज जिदा के वली हैदर भी नहीं पता हूँ वली हैदर दस दिने वली हैदर दस दवा ये भी ग्रहण दवा दस दस एक चीज जी मैं तेरे लिए स्पेशल लैके आया ए जेडे सोफे दे चीजा पईयां ने ना ए सोफे दे पिछले पासे तेरे लिए कुछ पिया है ओए बैठ ए बल्ला
तेरे साइज का बैड है स्पेशल तेरे वास्ते लिया। दूसरा बैट वड्डा हुंदा ना, उहदे नाल सही नहीं खेडिया जांदा, बिल्कुल तेरे साइज दा। हां जी बलिया, तेरे पसंद आया फिर बैट? हां जी, ताली सुटो। आई शाबाश। मैनू उम्मीद सी कि बली हैदर ने होश हो जाना, क्योंकि अली हैदर जो क्रिकेट खेडता ना तो उस वाला बैट है बड़ा जिहड़ा कि फिर बली हैदर के साइज का नहीं, तो बली हैदर उहदे नाल आउट भी जल्दी हो जाता तो फिर उहनू गुस्सा भी चढ़ता है। और ए वाला बैट जिहड़ा है बिल्कुल एग्जैक्ट अली हैदर के और उहदे दोस्त के साइज का, तसल्ली नाल खेड सकणगे। हाँ जी, नैट से लाइटा बली हैदर हूँ ही लाने, घर चलीए क्योंकि रोज़ा भी खुल गया, जाके पहले कुछ खाइए पीए तो फिर वापस वेली आके तो फिर लाइटा भी लगावांगे और टेनिस का नैट भी लगावांगे। रोज़ा अवतार कर लिया जी, हूँ मैं और बली हैदर लगा लगे हवेली लाइटा और टेनिस का नैट, तो इस विलॉग नू करने जी इत्थे ही एंड, क्योंकि फिर विलॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो बाकी जो भी एक्टिविटी होएगी वह अगले विलॉग तुहाडे नाल शेयर कर दी जाएगी। ऐसी जी आई दी एक छोटी सारी खूबसूरत जी वीडियो, अगर वीडियो तुहानू अच्छी लगी हो तो वीडियो नू लाइक और चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुलना। तो हूँ मुलाकात होएगी जी कल एक नए दिन और नई सुबह के नाल, कल तक लई अल्लाह हाफिज़।